आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे और मैं हूं रमन सैनी। आज सुबह हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से भारतीय सेना का एक ALH हेलीकॉप्टर किश्तवाड़ के मड़वा इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसमें सवार 3 भारतीय सेना के जवान जिनमें एक पायलट, एक को पायलट और एक टेक्नीशियन मौजूद था। दरअसल 10:45 के आसपास में इस ALH हेलीकॉप्टर ने किश्तवाड़ एयरबेस से अपनी उड़ान भरी थी और मड़वा दक्षिण का जो दूरदराज का इलाका है वहां पर सॉटी भर रहा था। इसके साथ साथ में एक और हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भर रहा था, लेकिन जब ये उस इलाके में पहुंचा जहां पर मड़वा दक्षिण का जो इलाका है वहां पर पहुंचने के बाद इस हेलीकॉप्टर में पायलट को ऐसा लगा कि कुछ तकनीकी खराबी है। उसने ATC के साथ संपर्क किया और उसके बाद हार्ड लैंडिंग जो है इस हेलीकॉप्टर की कराई गई, जिसमें यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और यह हार्ड लैंडिंग इस हेलीकॉप्टर की जो चॉपर की है वो बिल्कुल उस नदी के किनारे हुआ है जहां पर यह मड़वा का एक चिनाव का एक दरिया बहता है, एक चिनाव का हिस्सा है वो दरिया। उस दरिया के बिल्कुल किनारे जाकर ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश लैंड हुआ है और उसमें 3 भारतीय सेना के जो जवान थे, जिसमें से एक पायलट, को पायलट और एक टेक्नीशियन थे, वो बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे और उनको फिर उस दूसरे हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट किया गया। वहां से उनको नॉर्दर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है उधमपुर के हॉस्पिटल में वहां पर एडमिट कराया गया, जिसमें अब जानकारी निकल कर आ रही है जो अपने आप में एक दुखद जानकारी है कि टेक्नीशियन जो हैं जिनका नाम पबला अनिल है, इनकी दुखद मृत्यु जो है वो इस पूरे हादसे में हुई है। अभी भी जो दोनों पायलट और को पायलट हैं वो जिंदगी और मौत के साथ अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। सीधे तौर पर काफ़ी इंजरीज जो हैं वो उनको भी आई थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर की हालत किस तरीके से, तो वो तस्वीरों के माध्यम से आपने साफ तौर पर देखा था कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और कितना ज़्यादा उसके अंदर डैमेज जो है वो आया था। तो सीधे तौर पर एक दुखद घटना थी और इसके बाद जिस तरीके से एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर जो है वो सुबह ही दे दिए गए थे, क्योंकि जब भी इस तरीके का कोई हेलीकॉप्टर हादसाग्रस्त होता है या फिर कोई भी इस तरीके की कोई इंसिडेंट भारतीय सेना के अंदर या वायुसेना में या फिर नेवी के अंदर होता है तो उसकी एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दिए जाते हैं। डबल इंजन का ये ALH यानी कि ये ALH हेलीकॉप्टर है जिसमें करीबन 6 लोगों की बैठने की सीटिंग होती है। मड़वा दक्षिण का एक ऐसा इलाका है जो 6 महीने तक पूरी तरीके से स्नो बाउंड रहता है और उन इलाकों में जो आर्मी की यूनिट्स होती हैं उन तक रसद पहुंचाना हो, उन तक किसी ऑफिसर को पहुंचाना हो, वहां से किसी इंजरीज को या कैजुअल्टीज को इवैक्यूएट करना हो, तो वो सब कुछ जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही संभव हो पाता है। यहां तक कि वहां डीजल और जो पावर सप्लाई चलती है जनरेटर के द्वारा, वहां पर जो डीजल पहुंचाया जाता है वो भी एयरलिफ्ट कर वहां पहुंचाया जाता है, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग वहां पर है नहीं। तो ऐसे दुर्गम इलाकों के अंदर जब भी भारतीय सेना ऑपरेट करती है आतंकवाद को वहां पर कुचलने के लिए और जो लोकल लोग वहां पर रहते हैं उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि उस इलाके के अंदर आज भी जो बिजली होती है वो कहीं ना कहीं आर्मी के इंजन सेट के माध्यम से उनके घर पर चिराग जो है वो जलते हैं। तो सीधे तौर पर इतने दुर्गम इलाकों के अंदर जब भारतीय सेना ऑपरेट करती है और वहां पर जब कोई भी इवैक्यूएशन करानी होगी, कोई भी वहां से इंजरीज लानी होगी, कोई भी कैजुअल्टीज लानी होगी, कोई सिविलियन बीमार हो जाता है तो उसे भी एयरलिफ्ट कराकर किश्तवाड़ तक पहुंचाया जाता है, फिर वहां से आगे उनको बाय रोड जो है वो देश के बाकी हिस्सों के साथ वो जुड़ता है, क्योंकि मड़वा दक्षिण का इलाका अपने आप में फारफ्लंग एरिया है, दूरदराज का इलाका है और वहां उसी जगह पर आज सुबह ये हेलीकॉप्टर ALH हेलीकॉप्टर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 3 भारतीय सेना के जवान, जिसमें एक पायलट, एक को पायलट और एक टेक्नीशियन गंभीर रूप से जख्मी हुए थे और अब जो टेक्नीशियन है उन्होंने शहादत हासिल की है। बाकी के जो 2 बचे हुए टेक्नीशियन बाकी के जो 2 बचे हुए वहां पर पायलट और को पायलट हैं वो अभी भी जिंदगी और मौत के साथ अपनी जद्दोजहद जो है वो कर रहे हैं और लगातार उनको बचाने की कोशिश जो है वो आर्मी के हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स कर रहे हैं। उम्मीद यही करेंगे, दुआ सभी, पूरा देश उनके साथ यही मना रहा है कि उनकी जिंदगी सकुशल रहे, ठीक रहे और वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ मिले, अपने यूनिट में दोबारा शामिल हो सके, लेकिन फिलहाल हालत उनकी जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप बने रहें जेके न्यूज़ टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।